फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लवीज किचन सीक्रेट। दाल एक ऐसा स्टेपल फूड है जो ज़्यादातर सबके घर में रोज़ बनाया जाता है, तो क्यों ना इसे हेल्दी बनाया जाए। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल पालक। इसे आप स्टीम राइस या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम लेंगे आधा कप मूंग दाल, आधा कप तूर दाल। इसे हम अच्छी तरह से धोएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 कप पानी और इसे हम प्रेशर कुक करने रख देंगे 2 विसल के लिए स्लो फ्लेम में। 2 विसल हो चुका है, देखिए दाल अच्छी तरह से पक चुकी है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसे हम साइड में रख देंगे। अगर आपको पानी कम लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं। कढ़ाई में हम लेंगे घी और इसे गरम होने रख देंगे। फिर इसमें डालेंगे ज़ीरा। अदरक, लहसुन, अक्का लाल मिर्च, हरा मिर्च और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लगभग 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हींग, इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए लहसुन का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, इसे हमें लाइट ब्राउन करना है। अब हम इसमें डालेंगे पालक और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें हम डालेंगे हल्दी और 1 चम्मच नमक, इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और फिर इसे हम ढककर लगभग 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने रख देंगे। 10 मिनट हो चुका है, देखिए पालक भी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे तैयार करके रखा हुआ दाल। और उसमें मैं डालूंगी 1 कप पानी। देखिए पानी का क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द कंसिस्टेंसी यू लाइक फॉर योर दाल। बट दाल पालक का कंसिस्टेंसी वैसे थोड़ा थिक होता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। आप चाहे तो इसके बदले में नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप टमाटर यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसमें उबाल आने तक रुकेंगे। उबाल आते ही इसे हम लो फ्लेम करके 10 मिनट के लिए सिमर करेंगे। देखिए दाल पालक रेडी हो चुका है। आप इसे रोटी या फिर स्टीम राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। टिल देन बाय।